हेलो दोस्तों, निमी टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। बिहार में आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी को लेकर के फॉर्म अप्लाई से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। ये नोटिफिकेशन तो आपने जरूर देखा होगा, बिहार सरकार के द्वारा जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग में जो आईटीआई के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट रखा गया था वो डेट था आपका 23/5/2023 से दिनांक 22/6/2023 तक आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना था, जिसका ये वेबसाइट है, ये लिंक है www.btsc.bih.nic.in। ये जो लिंक है, ये लिंक एक्टिव होना था 23/5/2023 को, लेकिन ऐसा हो ना सका। ऐसा क्यों नहीं हो पाया, उस नोटिस में यही लिखा गया है। उस नोटिस को मैं पढ़ूं, उससे पहले आप इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आईटी इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नोटिफिकेशन, जो भी अपडेट होता है, वो सब कुछ आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। उस नोटिफिकेशन को मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। देखिएगा दोस्तों, ये है नोटिफिकेशन बिहार सरकार के द्वारा जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग में जो आईटीआई के लिए वैकेंसी आई थी। ये सब कुछ आपको मालूम है, आपने नोटिफिकेशन भी देख रखा है, वो आवश्यक सूचना आपको सुनना है तो उसको सुनिए। ये है एडवर्टाइज नंबर यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि 07 से लेकर 36 तक के अंतर्गत रिक्त पदों पर आईटीआई योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो 23 मई 2023 से 22 जून 2023 तक निर्धारित की गई थी, यानी कि इस डेट से लेकर के इस डेट तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना था। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु तैयार सॉफ्टवेयर में टेक्निकल एरर के कारण, किसके कारण, मैं थोड़ा यहां पर आपको हाईलाइट कर देता हूं, ये किसकी बात कर रहा है, टेक्निकल एरर के कारण, यानी कि तकनीकी त्रुटि के कारण दिनांक 23/5/2023 से ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी, है ना। क्यों नहीं हो सका, वो रीजन आपको पता चल गया कि जो सॉफ्टवेयर, जो इनका लिंक था, वो लिंक प्रॉपर तरीके से रन नहीं कर रहा है, सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रही है, वो क्या है, एक टेक्निकल एरर है, जिसके कारण इस दिनांक से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाया है। सॉफ्टवेयर में तकनीकी सुधार होने के पश्चात यथाशीघ्र आवेदन प्राप्त करने की तिथि के संबंध में विस्तृत सूचना अलग से प्रकाशित किया जाएगा, यानी कि जैसे ही टेक्निकल एरर खत्म हो जाता है, सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से कार्य करने लगती है, वैसे ही जिस प्रकार से ये आवश्यक सूचना निकाले हैं, अलग से नोटिफिकेशन निकाले हैं, वैसे ही अलग से एक नोटिफिकेशन निकालेंगे जिसमें लिखा होगा कि फला डेट से लेकर के फला डेट तक आपको फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन तरीके से करना है। तो ये था वो नोटिफिकेशन, आप इस नोटिफिकेशन को सुन चुके हैं, ये नोटिफिकेशन आपके लिए जानना बहुत जरूरी था, है ना। अब देखिएगा, मैं आपको एक स्टेप और आगे ले चलता हूं। अभी हमने हाल ही में एक, मैंने कम्युनिटी में एक क्वेश्चन डाला था कि इनमें से आपको किस यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन चाहिए, है ना। अब मैंने यहाँ पर ऑप्शन क्या रखा था, पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में क्या क्या आता है, देखिए, उत्पादन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर प्लांट, और दूसरा ऑप्शन था मेरा मोटर स्पीड कंट्रोल, तीसरा था ट्रांसफॉर्मर, और चौथा था सामान्य औजार। इससे रिलेटेड, यानी कि इन यूनिट्स में से आपको किस यूनिट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन चाहिए, आपने 61 लोगों ने वोट डाला है, और उसमें सबसे अधिक वोट किसका है, 80% वोट है पावर सिस्टम का। अगर आप भी इस वोट को जरूर डालिएगा, इस वोट को दीजिएगा, अगर इनमें से सबसे ज्यादा रेशियो जिस यूनिट का रहेगा, उसी यूनिट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, और इतना उसका डीपली क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर कभी भी एग्जाम में आता है ना, तो आप डेफिनेटली उसका आंसर कर पाएंगे, और इस कदर इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे कि आपका साथ ही साथ थ्योरी भी कंप्लीट होता जाएगा, और अगर आप कहीं पर इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं ना, तो उसके लिए भी ये काम आएगी, ठीक है जी। चलिए, यहां पर देखिएगा, जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर, जो वैकेंसी, अभी वैकेंसी कैंसिल नहीं हुआ है, वैकेंसी कैंसिल नहीं, जो फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट था वो डेट कैंसिल हुआ है, ठीक है ना, लेकिन अभी फॉर्म अप्लाई करने का नया डेट जारी किया जाएगा। हमें और आपको एक मौका मिल गया, हमें और आपको एक मौका मिल गया कि इसका सिलेबस डिस्कशन करने का और आपको तैयारी करने का थोड़ा और मौका मिल गया है ना। तो देखिएगा, आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो सिलेबस है ना, उस टोटल सिलेबस के बारे में बात करेंगे, यानी कि हम बात क्या क्या करने वाले हैं कि वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो भी क्यूरीज हैं, मैंने देखा कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो वर्क एक्सपीरियंस को लेकर के कंफ्यूज हैं, जो कहते हैं सर हमारा अप्रेंटिसशिप कंप्लीट है, वो जो अप्रेंटिसशिप का जो हमें एक्सपीरियंस मिला है, क्या वो वर्क एक्सपीरियंस में काउंट होगा या नहीं, तो सारी चीजों की हम आंसर वहां पर देने वाले हैं। फिर मैन एग्जाम जो है ये किस प्रकार से होगा, आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनेगा, आईटीआई एग्जाम जो है यहां से कितने परसेंटेज जो है आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होने वाले हैं, फिर
सीआईटीएस एग्जाम का क्या रोल है, ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं, है ना। तो जो भी नोटिफिकेशन था मेरे पास, वो सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा चुका हूं और आप शिद्दत से इस नोटिफिकेशन को सुन चुके हैं। तो जो भी विद्यार्थी इस सेशन को शेयर नहीं किया है, तो दोबारा कह रहा हूं कि इस सेशन को आप शेयर कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए इसका सिलेबस के लिए नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।